क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे, कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान लो। डाउनलोड द ऐप नाउ। IPL 2020 अब खत्म होने को है। 10 नवंबर को सीजन का आखिरी मैच खेला जाएगा, यानी फाइनल मैच, मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स। इससे पहले जानते हैं कि सीजन के उन 5 मैचों के बारे में जो काफ़ी रोचक रहे, यादगार रहे, और अगर फैंस ने नहीं भी देखा तो इन मैचों के बारे में सुनकर फिर इसका रिप्ले देखने चले गए। चलिए शुरुआत करते हैं। मैच नंबर 2, दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच मैच। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग चुनी, 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। स्टॉइनिस ने 21 गेंदों पर 53 रन बनाए, जो कि हमेशा से इस टीम के लिए कारगर साबित हुए हैं। मोहम्मद शमी ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में पंजाब की तरफ से मयंक अग्रवाल ने 60 गेंदों पर 89 रन बनाए। आखिरी ओवर में पंजाब को 12 रन चाहिए थे। मयंक क्रीज पर थे, उन्होंने पहली 4 गेंदों पर ही 1 चौके 1 छक्के सहित 12 रन जुटा लिए, लेकिन 5वीं गेंद पर स्टॉइनिस ने मयंक को आउट किया और 6ठी गेंद पर क्रिस जॉर्डन को। मैच टाई हो गया। सीजन का पहला सुपर ओवर खेला गया। सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब 2 रन ही बना सकी और दोनों विकेट खो दिए। दिल्ली ने इस मैच में जीत हासिल की। मैच नंबर 9, पंजाब और राजस्थान के बीच मैच। पंजाब ने पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 223 रन बनाए। मयंक अग्रवाल 106, KL राहुल 69 रन। जवाब में राजस्थान की तरफ से स्टीव स्मिथ ने 27 गेंद पर 50 रन किए और संजू सैमसन ने 42 गेंद पर 85 रन ठोक दिए। बड़े लक्ष्य के जवाब में इन दोनों ने मैच बना दिया, लेकिन शो स्टॉपर रहे राहुल तेवतिया। अब तक अनजान इस नाम से वेस्टइंडीज के बॉलर शेल्डन कॉटरेल के 1 ओवर में 5 छक्के जड़ दिए। इस ओवर से पहले राजस्थान को 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे, लेकिन तेवतिया ने 1 ही ओवर में 30 रन ठोके राजस्थान ने मैच जीता और 31 गेंद पर 53 रन बनाकर तेवतिया टीम के नए रॉकस्टार बन गए। मैच नंबर 10, बेंगलोर और मुंबई। विराट कोहली की आरसीबी ने पहले बैटिंग की, बनाए 20 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन। टॉप स्कोरर रहे एबी डिविलियर्स, 24 गेंद पर 55 रन। आरोन फिंच और देवदत्त पडिकल ने भी 50 से ठोके। जवाब में मुंबई इंडियंस एक वक्त फंस गई, 11.2 ओवर में 78 रन पर 4 विकेट खो दिए। इसके बाद ईशान किशन और कायरन पोलार्ड, इन दोनों ने किया वो यादगार बन गया। दोनों ने 119 रन की पार्टनरशिप की। आखिरी ओवर में मुंबई को 19 रन चाहिए थे, पहली 2 गेंदों पर सिंगल आए, अगली 2 गेंदों पर किशन ने 2 छक्के जड़े, लेकिन 5वीं गेंद पर एक और बड़ा हिट लगाने की कोशिश में वो कैच आउट हो गए। किशन ने 58 गेंद पर 99 रन बनाए। ओवर के आखिरी गेंद पर पोलार्ड ने चौका मारा और मैच टाई हो गया। सुपर ओवर में आरसीबी के नवदीप सैनी ने सिर्फ 1 बाउंड्री दी, मुंबई ने 7 रन बनाए और आरसीबी ने इस सुपर ओवर को आसानी से जीत लिया। मैच नंबर 36, मुंबई बनाम पंजाब। सीजन का सबसे रोमांचक और ऐतिहासिक मैच। मुंबई ने से पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन बनाए। किंग्स 11 पंजाब ने भी 20 ओवर में 6 विकेट पर 176 रन ही बना दिए। मैच टाई हो गया। बात पहुंच गई सुपर ओवर में। जसप्रीत बुमराह के सामने किंग्स 11 पंजाब सिर्फ 5 रन जुटा सकी, लेकिन मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा और डीकॉक के सामने बेहद जबरदस्त ओवर फेंका और इसमें भी आए सिर्फ 5 रन, यानी सुपर ओवर भी टाई हो गया। रोमांच और ज्यादा बढ़ गया। खेला गया एक और सुपर ओवर। इस बार मुंबई ने पहले बैटिंग की और 11 रन बनाए। जवाब में किंग्स की तरफ से यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल ने पहली गेंद पर छक्का जड़ दिया। बाकी काम मयंक के चौके ने कर दिया। किंग्स 11 पंजाब ने दूसरे सुपर ओवर में जीत हासिल कर ली। मैच नंबर 39, बेंगलुरु बनाम कोलकाता। ये मैच रोमांचक तो नहीं रहा, लेकिन याद जरूर रखा जाएगा। ऐसा T20 जिसमें गेंदबाजों ने पूरी तरह से डोमिनेट किया हो। KKR ने पहले बैटिंग की और पूरे 20 ओवर खेलकर 8 विकेट के नुकसान पर बनाए कितने, सिर्फ 84 रन। मोहम्मद सिराज ने IPL के सर्वश्रेष्ठ पहल में से 1 फेंका। 4 ओवर 2 मेडन 8 रन देकर 3 विकेट। IPL में लगातार 2 मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज भी बने। जवाब में RCB को भी इतने रन चेस करने में दोनों ओपनर के विकेट गंवाने पड़े, लेकिन आखिर में जीत हासिल हुई। IPL सीजन 2020 में वैसे तो हमें एक ही मैच में दो सुपर ओवर भी देखने को मिले, लेकिन ये वो 5 मुकाबले थे जिन्होंने फैंस के लिए इस IPL को हिट कर दिया। कैमरे के पीछे है राशिद, इस स्टोरी के लिए रिसर्च किया है हमारे साथी अभिषेक त्रिपाठी ने। मैं हूं विपिन, शुक्रिया।